हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जैसे जुलाई 2018 में री एग्ज़ामिनेशन हुआ था और उस टाइम हुआ क्या था कि कुछ सेंटर्स में लफड़ा हो गया था, वहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लेट दिया गया था, ठीक है। तो और इस वजह से वहाँ पे री एग्ज़ामिनेशन करवाना पड़ा। तो क्या आपको पता है कि जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके अंदर पेपर फर्स्ट कैसा आया था और उसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हुए थे? दोस्तों ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि री एग्ज़ामिनेशन के अंदर पेपर फर्स्ट कैसा आया था और उसके अंदर कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि री एग्ज़ामिनेशन में पेपर फर्स्ट कैसा आया था। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो जुलाई 2018 में री एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर एक, इसके अंदर इन्होंने शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पूछा हुआ है और शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की पहले वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षण एवं अधिगम से कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि ये नवंबर 2017 में भी आया है और नवंबर 2017 में ये जो ऑप्शन है ये दिया है शिक्षण विशेषताओं के विक्रय जैसा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सेम वहाँ पे दिया हुआ था। तो आप देखना, एनालाइज करना उसे, उसमें आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा पीडीएफ में कि किस तरह से रिपीट हुए थे, 2017 में ये क्वेश्चन कैसे आया था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है, इसके अंदर भी इन्होंने शिक्षण के बारे में पूछा हुआ है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के अनुप्रयोग का प्रयोजन क्या है, यानी कि जो हम टीचिंग करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स जिसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि वो क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। और इसके अलावा और जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि नीचे मूल्यांकन प्रणालियों से संबंधित कथन दिए हैं, यानी कि अपनी जो मूल्यांकन प्रणाली है, चार पांच तरह की मूल्यांकन प्रणाली होती है टीचिंग के अंदर, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया है। इसमें ये क्वेश्चन है निर्माणात्मक परीक्षण के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रणाली से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है मूल्यांकन प्रणाली से। अभी तक सितंबर 2013 में क्वेश्चन आए हैं, जून 14 में, जून 15 में, दिसंबर 15 में, नवंबर 17 में और जुलाई 16 के अंदर क्वेश्चन आए हैं। और इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं पीछे। और अभी मैं आपको इससे भी क्वेश्चन दिखाऊँगा कि कैसे पहले आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, इसके अंदर इन्होंने रिसर्च के अंदर क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो, केस स्टडी मेथड, इनके बारे में पूछा हुआ है। और अभी हमने जो वीडियो डाली थी दो तीन दिन पहले एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में डाली थी, और उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन आज तक आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए हैं तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए वही बात आ गई, कार्योत्तर विधि, जो एक्स पोस्ट फैक्टो की मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन देखिए जुलाई 16 में, अगस्त 16 में, जनवरी 17 में, नवंबर 17 में और जुलाई 18 में आ चुका है काफ़ी बार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और देखते हैं हम और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें से। और इसमें से दोस्तों जब मैंने एनालाइज किया, जब मैंने देखा, तो करीब इसमें भी 18 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं जो रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 22 है,
और इसमें ये इन्होंने क्या दिया है कि एक्स वाई दे दिया और फिर ए बी सी दे दिया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है और इसके अंदर पहले एक का डिफरेंस है और फिर दो का, इस तरह से हो रहा है। और यही क्वेश्चन दोस्तों सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी जून 2016 में आया है, और उसके अंदर क्या क्या किया हुआ था, यहाँ एक्स वाई की जगह उन्होंने ए बी दिया हुआ था, ठीक है, और ए बी सी की जगह उन्होंने क्या दिया हुआ था, सी डी ई इस तरह से दिया हुआ था, यानी कि सेम था। अगर किसी ने वो क्वेश्चन किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से वो बंदा कर सकता है। और अब हम बात करते हैं जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सभी को पता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी पहले आ चुका है। डिट्टो कॉपी तो वैसे नहीं कह सकते, थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने दिया है, इन्होंने जो डेटा वगैरह है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन यह ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सितंबर 2013 में पहले आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन। अगर किसी बंदे ने वो क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसानी से वो आंसर दे सकता है। और अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 ये है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम सभी ने काफ़ी बार किया है, काफ़ी बार आता है, इसकी तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था, सितंबर 2013 में आया है, 2012 में आया है, और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ओल्ड पेपर दिखाता हूँ, उसके अंदर आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए थे पहले। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शिक्षण एवं अधिगम के बारे में बताया था, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये देखिए यही बात उसमें दी गई थी जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें, शिक्षण विक्रय के समान है, ये ऑप्शन उसमें बिल्कुल सेम दिया हुआ था। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है, इस तरह के क्वेश्चन और भी आए हैं, वो अगर क्वेश्चन किए हैं तो जुलाई 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते थे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन प्रणाली से आ गया, जैसे इवैल्यूएशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया जो अभी हमने किया था, ठीक है, और उसे दोस्तों दो तीन नामों से पुकारा जाता है, जैसे ये हो गया रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और इसमें अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2016 में आया था, कार्योत्तर विधि यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो बात है वो इन्होंने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये दोस्तों, ये मैं आपको केवल एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके जो मल्टीपल काफ़ी बार ये रिपीट हो चुके हैं तो वो सभी के सभी यहाँ पे दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो देखना चाहो तो हमारी पीडीएफ ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने सेपरेट टॉपिक वाइज पीडीएफ बना रखी है, जैसे कि आज तक रिसर्च से जो क्वेश्चन आया वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग से जो क्वेश्चन आया वो हमने अलग कर रखे हैं। इस तरह से पेपर फर्स्ट में अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमने ईयर वाइज अलग कर रखे हैं, 2012 से लेकर 2018 तक, ठीक है। और दोस्तों उस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। और दोस्तों मैं तो यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिसंबर 2018 में सक्सेस होना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बहुत काम आएगी, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जो अपना पहला जुलाई 2018 का मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, अब ये जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ इसमें भी 18 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 50 में से 18 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और रही बात कॉस्ट की दोस्तों, तो कॉस्ट दोस्तों हम 150 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये हम ऐसे तो खाने पीने में वैसे ही खर्च कर देते हैं, और एकेडमी वगैरह होगी, एकेडमी पे हम कितना हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं जो कॉस्ट आपसे ले रहा हूँ 150 रुपये की ले रहा हूँ या जो भी कॉस्ट ले रहा हूँ
वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो वो पीडीएफ आपको लेनी चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको एक सजेशन के रूप में कह रहा हूँ कि अगर आप वो पीडीएफ लोगे तो उसमें आपको अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुए। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपना ये रिपीट हुआ। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, उसके अंदर क्या दिया हुआ था, एक्स वाई, ए बी की जगह क्या दिया हुआ था, एक्स वाई दिया हुआ था। ई डी सी की जगह क्या दिया हुआ था, ए बी सी दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने ये क्वेश्चन किया है वो री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था वो आसानी से कर सकता था। चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुए थे। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वही बात आ गई, कार्योत्तर विधि आ गई, ये मैंने आपको दिखा दी। ये फिर कार्योत्तर विधि आ गई, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो। ये आया था जनवरी 2017 में, ये आया था अगस्त 2016 में। तो आप देख सकते हैं अब ये देखिए नवंबर 2017 में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 7, कार्योत्तर पद्धति एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस हमें क्या है कि हमें उसे थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो किराए वाला अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये वही क्वेश्चन है जो जुलाई री एग्ज़ामिनेशन में हमें दिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम वापस से री एग्ज़ामिनेशन पेपर पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए थे हम देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दो आधार वाक्य दे दिए हैं और फिर इसने निष्कर्ष दिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और ऐसा ही क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन जून 2013 में रिपीट हुआ था, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और उससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क से इन्होंने क्वेश्चन दिया है और इन्होंने दोस्तों इसमें ये क्या पूछते हैं, हर बार ये नहीं वाला पूछते हैं। ठीक है, कि निगमनात्मक में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, ये जून 2012 में हुआ है, सितंबर 13 में, जून 15 में, जुलाई 16 में, जनवरी 17 में, नवंबर 17 में। तो कितनी बार रिपीट हुआ है और दोस्तों हमें इनको थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। बात एक होती है, बस थोड़ा सा इनको घुमा फिरा के दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड पेपर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखते हैं हम और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इन्होंने दिया है कि जब परिभाषा का उद्देश्य एक पद के कुछ प्रचलित उपयोग की व्याख्या करना है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन दे दिया और डेफिनेशन से क्वेश्चन आज तक काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, करीब कम से कम भी 6 से 7 बार क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। और दोस्तों जब भी आप कोई भी डेफिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो डेफिनेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी टर्म है उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, किसी एक टर्म को पकड़ के नहीं बैठना। ठीक है, और चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि और किस तरह से रिपीट हुए थे इसके अंदर और जो हमें करने ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी के बारे में इन्होंने पूछ लिया। ये इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है कि आईसीटी की जो टर्म है उसके बारे में पूछा कि आईसीटी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक डेफिनेशन जिसे कहते हैं उसके बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो डेफिनेशन के बारे में अभी से पहले 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये जनवरी 17 में आया था, नवंबर 17 में आया था और जुलाई 18 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी इन्होंने डेफिनेशन के बारे में पूछा हुआ था। तो और देखते हैं हम और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए दोस्तों, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईमेल का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और ईमेल से अभी पीछे ही मैंने करवाया है करीब 5 से 7 दिन पहले, कि ईमेल से अपने कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये स्पैमिंग ईमेल से रिलेटेड दिसंबर 2015 में आया था, जुलाई 16 में, जनवरी 17 में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल स्पैम से भी आया क्वेश्चन बिल्कुल,
ठीक है। तो अगर आप ओल्ड पेपर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी मैं आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनका मैं आपको लाइव दिखाऊंगा डेमो की किस तरह से पीछे भी आए हैं, और एक बार हम सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया था पहले कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इन्होंने भूकंप के बारे में पूछा हुआ है, रिएक्टर स्केल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन फिर से इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया, ठीक है। और देखते हैं हम और क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सर्दी के मौसम में घनी धुंध की बारंबारता घटाने का कारण। और इसमें देखो दोस्तों, धुंध से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, करीब कम से कम भी 2 से 3 बार क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम इन्हें ध्यान से करते हैं थोड़ा सा तो हम इन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। और क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे रिपीट हुए हैं इसमें से। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है घरेलू अपशिष्ट के बारे में, यानी कि जो हम पोल्यूशन जो फैलाते हैं, वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं, उससे ये क्वेश्चन आया है। और इसी से एक क्वेश्चन अपना मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी आया था। और अब ये देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है 45 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। और दोस्तों इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था जब अपना एग्ज़ाम हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स भी दिया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों सितंबर 13 में, दिसंबर 14 में, जून 15 में, दिसंबर 15 में, जुलाई 16 में और जनवरी 17 में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सभी जो मैंने बताए ये अभी आपको दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों। और ये क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन है UGC का, ये तो कॉमन क्वेश्चन है हमारा। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, हम जब UGC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो UGC के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो UGC के बारे में पूछते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कौन से रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अपना आ चुका है, ये नवंबर 2017 में आया था। इन्होंने QS वर्ल्ड रैंकिंग पूछा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने QS पूछा है, और जो रैंकिंग जो होती है वो 2-3 तरह की रैंकिंग होती है, तो ये 2-3 तरह की रैंकिंग हमें पता होना चाहिए और इस पर हम काफ़ी फोकस भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है इस कैटेगरी से, रैंकिंग की कैटेगरी से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आते हैं, तो ये फिर रिपीट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, अगर आप काउंट करोगे तो करीब 18 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं जो रिपीट हुए हैं। और इन क्वेश्चन का हम आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं अगर हमने ओल्ड पेपर किए हैं तो। दोस्तों अभी जो हमारा दिसंबर 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी संभावना यही है कि पीछे से क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल वो डिट्टो कॉपी उठा के दे देंगे, यानी कि एक एक शब्द उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। कॉपी होने का मतलब ये है कि वो उसके इर्द गिर्द पूछ लेंगे, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे। और अगर हमने ओल्ड पेपर की है तो हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन है पहले किस तरह से आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ICT की डेफिनेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था, और फिर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नवंबर 2017 में आया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पहले आए हैं। और ये देखिए, ये हमने जो स्पैम का जो क्वेश्चन आया था ये वो क्वेश्चन है, ये पहले रिपीट हुआ था। और अब ये देखिए, जो तरंगे थी भूकंप से रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे रिपीट हुआ है। और ये देखिए, ये फिर से ये भूकंप के बारे में इन्होंने पहले पूछ लिया था। और फिर जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 2 क्वेश्चन ये देख सकते हैं पहले रिपीट हुए थे हमारे। और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फिर से नवीकरणीय ऊर्जा से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ये रिपीट हुआ है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो और अगर हम ओल्ड पेपर करते हैं तो बड़ी आसानी से हम पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को वो पीडीएफ चाहिए हमारी, जिसमें हमने सेपरेट टॉपिक वाइज पीडीएफ बना रखे, वो किसी को लेनी है तो वो हमसे ले सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।